Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं काकत फारूकी, सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। शिमाली अमेरिका के साथ मुहायदे की तौसीक एक ऐसा इकदाम होगा जो कनाडा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। अमेरिकी स्पीकर एवान नुमाइंदिगान ने नाफ्टा डील की तौसीक के इशारे दे दिए। कैनेडियन वजीर आजम की जगमीत सिंह से मुलाकात, माहौलियाती तब्दीली, सेहत और मुकामी लोगों के मसाइल से मुतालिक गुफ्तगु की। GTA शदीद सर्दी की लपेट में, आइंदा हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने का इम्कान। माहौलियाती तब्दीली आने वाली नस्ल को सेहत के संगीन मसाइल से दो चार करेगी। डॉक्टरों की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी हिद्दत में इजाफा पहले ही दुनिया को नुकसान पहुँचा रहा है। बोलीविया की निगरान हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जानिब से पोजीशन वाज़े कर दी गई है। ट्रंप के खिलाफ मौखजे की कार्रवाई जारी, ट्रंप अमेरिका की हालिया तारीख के तीसरे सदर बन गए हैं जिन्हें मौखजे की समाप्त का सामना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने तुर्क हमनसब रजब तैयब उर्दगान की तारीफों के पुल बांध दिए। अमरीकी सदर का कहना था कि हम एक तवील अरसे से दोस्त हैं और शायद पहले दिन से ही दोस्त हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian Government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अमरीकी स्पीकर एवान नुमाइंदिगान ने नाफ्टा डील की तौसीक के इशारे दे दिए। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक नए नाफ्टा मुहायदे से ट्रूडो की अखिलती हुकूमत की इस बिल की तौसीक के लिए हौसला अफजाई होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कांग्रेस की अहम रुकन नैन्सी पेलोसी का कहना है कि शुमाली अमरीका के साथ मुहायदे की तौसीक का एक ऐसा इकदाम होगा जो कनाडा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। अमरीकी एवान नुमाइंदिगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जानिब से इस बात के इशारे दिए गए हैं कि डेमोक्रेट्स और ट्रंप इंतजामिया के माबेन मुज़ाकरात कामयाबी के करीब पहुंच रहे हैं। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक नए नाफ्टा मुहायदे से ट्रूडो की अखिलती हुकूमत की इस बिल की तौसीक के लिए हौसला अफजाई होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेलोसी का कहना था कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम उसके करीब पहुँचने वाले हैं, जो कि मुस्तकबिल की तजारत के लिए अहम मिसाल साबित होगा और मुझे उम्मीद है हम उसमें इसी साल कामयाबी हासिल करेंगे। उनकी जानिब से ये बयान ऐसे मौके पर सामने आया जब अमरीकी सियासत का माहौल कशीदा है, अमरीकी सदर पर मौखजे के बादल मंडला रहे हैं और डेमोक्रेट्स पर उस बात का जोर दिया जा रहा है कि वो ट्रंप पर रिवायती हमलों से ज्यादा कर सकते हैं। ओटावा में लिबरल्स की जानिब से कहा गया है कि वो नाफ्टा के हवाले से अमरीकी कांग्रेस में होने वाली पेशरफ पर गौर कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि कैनेडा में अमल दरामदी बिल पेश करने से पहले मुहायदा किस तरह तब्दील होता है।
कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो 5 दिसंबर को पार्लियामेंट के आगाज से कबल हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने एनडीपी रहनुमा जगमीत सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर माहौलियाती तब्दीली, सेहत और मुकामी लोगों के मसाइल से मुतालिक गुफ्तगू की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो 5 दिसंबर को पार्लियामेंट के आगाज से कबल हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने एनडीपी रहनुमा जगमीत सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर माहौलियाती तब्दीली, सेहत और मुकामी लोगों के मसाइल से मुतालिक गुफ्तगू की गई। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि सिंह से मुलाकात में तरजीहात से मुतालिक तआवुन और पार्लियामेंट के कनाडा के मुफादात के हवाले से किरदार पर गुफ्तगू की गई। एनडीपी रहनुमा जगमीत सिंह ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के सामने दो रास्ते छोड़ दिए, या तो वो कंजर्वेटिव के साथ तआवुन करें या फिर एनडीपी के साथ अकलती हुकूमत बनाने के लिए ट्रूडो को हिजब इख्तलाफ की जमातों का तआवुन दरकार होगा। सिंह ने कहा कि अगर ट्रूडो ऐसा बिल मंजूर करना चाहते हैं जो तरक्की पसंद है और उससे तमाम कैनेडियनों को फायदा होगा, जो उन्हें न्यू डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सिंह ने तजवीज दी कि एनडीपी और कंजर्वेटिव हिमायत के अच्छे ऑप्शन हैं, जबकि ब्लो क्यूबिको के ई फोंसवा ब्लांचे इस हवाले से थर्ड पार्टी की हैसियत से फायदा उठा रहे हैं। सिंह ने कहा कि ब्लांचे ने ये बात मशहूर कर रखी है कि वो पूरे कैनेडा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ क्यूबेक के लिए काम करेंगे। ग्रेटर टोरंटो एरिया इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रेटर टोरंटो एरिया इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो का दर्ज हरारत ज्यादा से ज्यादा -7 जबकि रात के औकात में कम से कम -17 तक जाने की पेशगोई की गई है, जबकि इस वीकेंड पर मौसम अब्र आलूद रहेगा और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को जाहिर की गई है। पीर और मंगल के रोज शहर में हल्की बारिश की पेशगोई की है, जो कि आइंदा जुमे तक जारी रहेगी। डॉक्टरों की एक बैनल अक्वामी रिपोर्ट में कहा गया है कि वो बच्चे जो गर्म माहौल में बढ़ रहे हैं उन्हें अपने वालदैन के मुकाबले में ज्यादा सेहत से मुतालिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टरों की एक बैनल अक्वामी रिपोर्ट में कहा गया है कि वो बच्चे जो गर्म माहौल में बढ़ रहे हैं उन्हें अपने वालदैन के मुकाबले में ज्यादा सेहत से मुतालिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौसमी तब्दीली के हवाले से जारी होने वाली सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल बढ़ती हुई बीमारियाँ, गर्मी की ज्यादा शिद्दत, फजाई आलूदगी और मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियाँ जैसे डेंगू, बुखार, मलेरिया में इजाफे के साथ आलमी हिद्दत पहले ही दुनिया भर में सेहत आमा को नुकसान पहुँचा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर हैं, वो आबो हवा की तब्दीली का ज्यादातर बोझ बर्दाश्त करेंगे। उनकी सेहत को मौसमियाती तब्दीलियों ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज में मुतासर किया है। ताहम रिपोर्ट में इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि अगर माहौलियाती तब्दीली पर काबू ना पाया गया तो आने वाली नस्ल को उससे भी ज्यादा सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। कैनेडा की जानिब से कहा गया है कि वो बोलेविया की नई निगरान हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। कैनेडा ने बोलेविया में जारी अफरा तफरी और कशीदगी के हवाले से अपनी पोजिशन वाज़ेह कर दी है। मज़ीद जानते हैं रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से कहा गया है कि वो बोलेविया की नई निगरान हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। कनाडा ने बोलेविया में जारी अफरा तफरी और कशीदगी के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। ओपोजिशन रानुमा जैनीन ऑनियस अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही हैं, जब वहां के सदर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने इंतखाबात में बोलेविया की आवाम से धोखा किया था। मुकामी मीडिया की जानिब से कहा गया है कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के एक तर्जुमान के मुताबिक कनाडा इस सिलसिले में किसी भी इकदाम से पहले कानूनी मामलों को देख चाहता था। उनका कहना था कि ऑनियस के माजी के तबसरे वहां के मुकामी लोगों के खिलाफ थे। जीएसी की जानिब से कहा गया है कि कनाडा वहां की निगरान हुकूमत की हिमायत करता है, अगरचे वो जल्द से जल्द इंतखाबात को यकीनी बनाते हैं, जबकि 22 जनवरी को वहां इंतखाबात का इम्कान है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जानिब से कहा गया है कि बोलेवियंस की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, जबकि आईनी और जमहूरी हुकूक की फरहमी उनका हक है। इंतखाबात का जल्द इनेकाद बहुत जरूरी है, जबकि कनाडा इस सिलसिले में की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमरीकी अवाने नुमाइंदगान में शुरू होने वाली मौखजे की समाअत दूसरे रोज भी जारी रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मेरे टैक्स गोशवारे जाहिर होने से रोके जाएं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मेरे टैक्स गोशवारे जाहिर होने से रोके जाएं। अटॉर्नी ने 2011 से अब तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनके टैक्स गोशवारे तलब किए हैं। मामला काबिले समाअत होने का फैसला होने में एक माह लग सकता है। वाज़ह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप
ٹرمپ کے خلاف امریکی امانی نمائندگان میں شروع ہونے والی مؤاخذے کی سماعت دوسرے روز بھی جاری رہی. امریکی صدر ٹرمپ کے مؤاخذے کی تحقیقات کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. امریکی امانی نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے مؤاخذے کی تحقیقات سے متعلق کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری اسٹیفنی گریشم کا ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ یہ جاری سماعت نہ صرف بورنگ ہے بلکہ یہ ٹیکس دینے والوں کے وقت اور ٹیکس کا ضیاع بھی ہے. صدر ٹرمپ کے مؤاخذے کی کارروائی سے اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے عہدے سے برخواست کیا جائے یا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی حالیہ تاریخ کے 30ویں صدر بن گئے ہیں جنہیں مؤاخذے کی سماعت کا سامنا ہے. وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ نے طیب اردگان کا گرم جوشی سے استقبال کیا, جبکہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران سیاسی معاملات سمیت ترکی کی جانب سے روس سے میزائل سسٹم خریدنے پر بھی بات ہوئی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردگان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ نے طیب اردگان کا گرم جوشی سے استقبال کیا, جبکہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران سیاسی معاملات سمیت ترکی کی جانب سے روس سے میزائل سسٹم خریدنے پر بھی بات ہوئی. ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے طیب اردگان سے ملاقات کو ایک بہترین اور سود مند ملاقات قرار دیا, جبکہ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس ملاقات کے بعد نیٹو اتحادی اپنے اختلافات کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس موقع پر امریکی صدر نے اپنے ترک ہم منصب کے ساتھ تعلقات کی بھی تعریف کی. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایک طویل عرصے سے دوست ہیں اور شاید پہلے دن سے ہی دوست ہیں. ہم ایک دوسرے کے ملکوں کو سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں. ٹرمپ نے صدر اردگان اور ان کی اہلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے ملک اور خطے میں انتہائی قابل احترام ہے. ترکی کی روس سے میزائل سسٹم کی خریداری پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ترکی کے روس سے S-400 جیسے فوجی ساز و سامان کے حصول نے ہمارے لیے سنجیدہ مسائل کو جنم دیا. ہم اس معاملے پر مسلسل بات کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے آج بھی اس معاملے پر بات کی اور ہم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. امید ہے ہم اس صورتحال پر قابو پا لیں گے. اس موقع پر ترک صدر طیب اردگان کا کہنا تھا کہ دو ملک صرف اسی صورت مسائل پر قابو پا سکتے ہیں جب وہ مذاکرات کریں. ترک صدر نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کے معاملے پر کسی دوسرے ملک نے ترکی سے تعاون نہیں کیا. جب کوئی بھی مہاجرین کو قبول نہیں کر رہا تو ہم نے انہیں قبول کیا. واضح رہے کہ ترکی کی جانب سے روس سے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری پر امریکہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ساتھ F-35 لڑاکا طیاروں کی ڈیل ختم کر دی تھی, جبکہ امریکی امانی نمائندگان نے شمالی شام پر حملے اور روسی میزائل سسٹم خریدنے پر گزشتہ ماہ ترکی پر پابندیوں کی قرارداد بھی منظور کی تھی. اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV.